डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये एनसीईआरटी का मैथ क्लास सिक्स का मैथ है, एक्सरसाइज 7.4। इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, और इसमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट थ्री डिफरेंट नंबर्स। यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है वो तीन प्रकार के नंबर्स में इसको दिखलाने के लिए कह रहा है। सेपरेट them into three groups of equivalent fraction। तो ये equivalent fraction दिया हुआ है, ये तीन प्रकार के fraction यहाँ पे निकलेंगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। by changing each one to its simplest form, जब हम लोग इसको simplest form में change करेंगे, क्योंकि अभी simplest form में नहीं है, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, तो simplest form में नहीं है। जब हम लोग इसको simplest form में change करेंगे तो ये तीन प्रकार के number इसमें आएंगे, और उसको जो है group by एक साथ कर देना, कि एक तरह का जो नंबर है वो एक साथ रहेगा, दूसरे तरह का नंबर दूसरे साथ रहेगा। इस तरह से हम लोग को दिखाना है, तो हम लोग इसको सिक्स नंबर को सॉल्व करते हैं तब पता चलेगा। अब यहाँ पे हम लोगों के पास सारे फ्रैक्शंस यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। अब इसको काट काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, टू बाई ट्वेल्व, तो टू का टेबल में ट्वेल्व आता है, इसका मतलब है कि टू जो है ट्वेल्व टू से कट जाएगा, टू सिक्स जब ट्वेल्व, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ गया इसमें, वन बाय सिक्स। इससे ज़्यादा सिंपल नहीं होगा, इससे ज़्यादा छोटा होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे थ्री का टेबल, फिफ्टीन का टेबल थ्री का टेबल में आता है, तो ये थ्री से कट जाएगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फाइव बार में कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, वन बाय फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्टी और एट, तो एट का टेबल में तो फिफ्टी नहीं आता है, लेकिन क्या कितना छोटा हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग टू से काट सकते हैं इसको, टू फोर जा एट हो गया, और यहाँ पे ये टू बार से कटेगा तो ये 25 बार में कटेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लगता कि कटने वाला है, और नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हो गया 4 बाय 25, ठीक है। अब यहाँ तीन तरह का डिफरेंट नंबर आ चुका है। अब ये तीन जो है नंबर जो आया हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म बनकर, यही सभी में आएगा, ये तीनों में से जो आना है वही सब आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 16 है और यहाँ 100 है, तो यहाँ पर हम किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 जा 16, और 4 से काट सकते हैं, 25 बार में 100 होता है, 25 4 जा 100 होता है, तो 25 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब इसका कितना आ गया, 4 बाय 25, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद जो है नेक्स्ट लेते हैं, इसमें एक जीरो जीरो काट देते हैं, जीरो अगर हमारे पास होता है तो इस तरह से हम काटते हैं, तब 1 बाय 6 बची है। तो इससे ज़्यादा यहाँ पर और सिंपल नहीं होने वाला, तो 1 बाय 6। और इसका 15 का टेबल में हम लोग 15 का टेबल में 75 मिल जाएगा, 15 5 जा 75 होता है, तो इसको हम काट लेते हैं, 5 बार में ये कटेगा, तो ऊपर में 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1 बाय 5, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे 12 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 60 मिल जाता है, 12 पचास 60, तो 5 बार में कट रहा है, तो ये 5 बार में कट गया, तो यहाँ पे ऊपर में 1 बच गया, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 5, ये हो गया। और इसमें 16 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं, अगर आप जानते हैं 16 का टेबल पढ़ने के लिए, तो 96 मिल सकता है, तो 6 बार में 96 होता है, ये कट गया, इसका मतलब हमको यहाँ क्या मिल गया, 1 बाय 6 मिल गया, ये हो गया। अब यहाँ पे 12 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो हमको 75 मिलने वाला नहीं है, 12 इंच 36 12 48 12 50 60 12 6 72 72 मिलता है, लेकिन 75 नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको किससे काट सकते हैं, 2 से कटने वाला है नहीं, 3 से, 3 से काट सकते हैं, 3 4 जो 12 होता है, और 3 से ये कट जाएगा, 7 5 12 होता है, तो उस हिसाब से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 4 जा 12 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 3 5 जा 15, 25 बार में, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 4 बाय 25। अब इसको 12 का टेबल में 72 तो आता ही है, तो 6 बार में आता है, 12 6 जा 72, इसका मतलब हो गया 1 बाय 6। और यहाँ पे 3 का टेबल में 18 तो आता ही है, 3 6 जा 18, 6 बार में ये भी कट रहा है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1 बाय 6। और 4 का टेबल में ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ये कटने वाला नहीं है। तो अब जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोगों को मिल चुका है, तो उसको हम एक कैटेगरी में कर लेते हैं। तो फर्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम लोग को मिला हुआ है, तो 1 बाय 6 इसमें मिला हुआ है, इसका जो है इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ए, उसके बाद ए हो गया, और देखिए कहाँ पर है, ये नहीं है, नहीं है, यहाँ पर हो गया, ई हो गया, ई उसके बाद फिर H हो गया, H और J, K, फिर J हो गया और K हो गया, उसके बाद नहीं,
एक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसका 1/5 का। तो 1/5 का क्या दिया हुआ है, 1/5। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन कौन सा है, बी है, बी और 1/5 एफ हो गया। उसके बाद 1/5 में जी भी है, उसके बाद दिया हुआ है 1/5 और नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट 4/25, इसको ले लेते हैं यहाँ पे 4/25। तो इसमें कौन कौन सा आ गया है, 4/25 में यहाँ पे सी नंबर आ गया है, सी, उसके बाद डी भी है, डी, उसके बाद आई है, तो इस तरह से, और ये एल है, ठीक है। इस तरह से हम इसको तीन कैटेगरी में बांट देते हैं और ये थ्री जो कैटेगरी है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।